राज्य में कोरोना वायरस ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रोजाना कई लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव दैनिक मजदूरी करके खाने वालों पर पड़ा है तथा उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संकट की घड़ी में नॉर्थ ईस्ट टोबैको डीलर्स एसोसिएशन ने गुवाहाटी के कई अंचलों के असहाय परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण किए, जिसमें चावल, दाल, तेल, आलू एवं मसाले शामिल है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत, विजय गुप्ता, विधायक रमेंद्र नारायण कलिता, धूप ज्योति शर्मा और इनीडीए के सदस्य तारकेश्वर सिंह, उदय शंकर चौरसिया, महेश गुप्ता, राजेश चौरसिया, कमलेश तिवारी, अमित चौरसिया, नारायण गुप्ता, त्रिभुवन गुप्ता उपस्थित थे। भविष्य में भी एसोसिएशन की ओर से संकट की घड़ी में सहयोग का आश्वासन दिया गया। मालूम हो कि हमारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए भी विभिन्न समितियों व संस्थाओं द्वारा खाद्य सामग्री के अलावे आर्थिक सहयोग राशि भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जा रहे हैं, बल्कि जरूरतमंद को आवश्यक सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। पीक न्यूज़ तिनसुक।